इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 17,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे, तो दूसरी ओर कार्यक्रम में आए हितग्राही परेशान होकर कार्यक्रम स्थल से चले गए। हितग्राहियों के हिस्से का नाश्ता तक नगर निगम कर्मचारी अपने घर ले गए। भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 17,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। ऐसे में अव्यवस्था से परेशान होकर लोग कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए हुए हितग्राही भी कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही चलते बने। कार्यक्रम पूरी तरह से असफल दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर जा रहे थे। पुलिस द्वारा कई लोगों को रोका गया और उनकी जगह पर बैठाया गया ताकि खाली कुर्सियां ना दिखाई दें। लाल परेड मैदान में इस दौरान हितग्राहियों के लिए जो नाश्ता आया था वह उन्हें न देकर नगर निगम कर्मचारी अपने घर ले जाते हुए नजर आए। पूरी तरह से इस कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली नजर आई। जब हमने नाश्ता ले जा रहे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नाश्ता बांटने आया था तो हम भी हमारे बच्चों के लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। ये बात साफ तौर पर कर्मचारी इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। आप सुन सकते हैं, ये नाश्ते में नगर निगम की गाड़ियों को रखते हुए साफ देखा जा सकता है। यही वजह थी कि लोग मोदी का भाषण छोड़कर चले गए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।